तो रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज तेलंगाना को के दौरे को लेकर कहा ढाई हाईकमान ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करेंगे। तो दीपक बैज का यह बयान, साथ ही उन्होंने गैस सिलेंडर में हो रही सियासत को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर दिया जाए, ये कौन सा न्याय है। तो दीपक बैज का बीजेपी पर तंज, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बीजेपी पर निशाना और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा करेंगे। तेलंगाना चुनाव के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, तीन दिन रहेंगे, 25, 26, 27, 28 तक, चार दिन, और वहां कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कुछ विधानसभा सीटों के लिए, उन विधानसभा सीटों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। मुझे लगता है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को एक नजरिया से नहीं देख रही है। किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर, ये कौन सा न्याय है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती दिख रही है 500 सिलेंडर का घोषणा करने के बाद। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में 450 करना पड़ा उनको, मतलब समझ लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि तेलंगाना में 300 करना पड़े। मतलब सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ में हारते हुए दिख रहा है और इसी का नतीजा है 450 रुपये सिलेंडर राजस्थान में, और आखिर पूरे देश में 1200 में मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 450 और 500 क्यों, पूरे देश में एक रेट क्यों नहीं। जहां 400 का सिलेंडर को 1200 पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन आज सिर्फ चुनावी फायदा के लिए, चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता देने सिलेंडर को 450 रुपये देने का काम कर रही है, ये भी चुनावी जुमला है। तो अभी नतीजे आए नहीं है लेकिन वार पलटवार का सिलसिला अब भी जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर श्रीचंद सुंदरानी ने तंज कसा, उन्होंने कहा कि निर्वाचन की प्रक्रिया में संदेह होगा तो चुनाव आयोग से शिकायत होगी, एक शिकायत को चुनाव परिणाम से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में कहीं संदेह होता है तो चुनाव आयोग को शिकायत होती है और चुनाव आयोग संज्ञान में लेता है और उसको उचित पाता है तो कार्रवाई करता है। इससे ये कहां से बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही इसलिए शिकायत कर रही। अरे, एक सीट एक कलेक्टर के शिकायत से कोई प्रदेश के चुनाव परिणाम से जोड़ा जाना चाहिए क्या? अगर उस कलेक्टर ने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है, चुनाव आयोग जांच करेगा, निश्चित रूप से हम तथ्यात्मक उनको जानकारी दिए और तथ्यों की जानकारी के आधार पर चुनाव आयोग जांच करके निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा कलेक्टर के ऊपर। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की जिम्मेदारी जगदलपुर के जिला कलेक्टर ने जिम्मेदारी नारी शक्तियों के कंधे पर सौंप दी है। जिला प्रशासन ने 300 कर्मचारियों को इसके लिए तैयार किया है। प्रशासन के मुताबिक आदर्श महाविद्यालय में मतगणना की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भी दावा किया और पुख्ता व्यवस्था कर भी दी गई है। दिसंबर 3 को हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो मतगणना जो है हमारा इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज है उस परिसर में होना है। इस हेतु सभी तैयारियों, सुरक्षा की जो कॉर्डन की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था और लोगों का आने जाने का व्यवस्था, सब चीज़ सुनिश्चित कर ली गई है। और मतगणना की पूरी प्रक्रिया में हमारे ज़िले में पूरी प्रक्रिया को महिला कर्मचारियों के द्वारा की जाने का प्रयास किया जा रहा है और इस हेतु आज सभी लगभग 300 लोगों को 2 चरणों में ट्रेनिंग भी हम लोगों ने, फर्स्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग जो है उसको हम लोगों ने कम्प्लीट भी करा लिया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे ज़िले के लिए कि हमारे ज़िले में हुए मतदान की पूरी प्रक्रिया का जो काउंटिंग जो है हमारे महिला कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है और उनका मैं हौसला बुलंद रखना चाहूँगा ताकि वो अच्छे से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करा सके। सर, कितने महिला कर्मचारी रुकी रही? तीनों विधानसभा का देखेंगे तो ऑन एन एवरेज एक विधानसभा में 60 से 70 महिलाएँ रहेंगी, तो तीनों मिलाएंगे तो 200 से लेकर 220 महिलाएँ उसमें कार्यरत रहेंगी। खबर रायपुर से, जहां राजधानी के सर्किट हाउस में मतगणना के लिए अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, जहां अधिकारियों को मतगणना की बारीकियों की जानकारी दी जा रही है। बालौदा बाजार और रायपुर संभाग के सभी अधिकारियों कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं।
उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि मारी गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का शिवराज सिंह जवाब दे रहे थे। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस मोदी विरोध में अंधी हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर शिवराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। ये कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं है, उनकी बुद्धि मारी गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर दे ही। और था पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार में। लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अभी ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है। एक तरह से देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट भाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे बुना ले। मोदी विरोध में तो अंधे हो गए हैं सचमुच में, राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर निशाना साधा है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से पलटवार किया है। मुख्यमंत्री के जो है इस गलीज भाषा का प्रयोग करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो इसी तरह की भाषा सुनने के आदी हैं। अगर वो इस भाषा में बात नहीं करेंगे तो उनकी सीआर वैसी खराब है और खराब हो जाएगी। बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय शर्म है, इसमें कहीं कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। एक भारत का आम नागरिक की नजर से देखें, आप विदेशों में इस राष्ट्र की थूथू कराएं, विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों के मोहरे बन जाएं, आप देश में हर देश के गौरव करने वाले विषय पर, जो देश के आस्था के श्रद्धा के विषय हैं, उसको आप धिक्कार करें, तिरस्कार करें, आप शर्म नहीं है तो क्या है। और इस वक्त भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है। खबर यह है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर बढ़ाएगी निगरानी। जी हाँ, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर निगरानी बढ़ाएगी। जिला प्रभारियों को पीसीसी ने प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। 28 नवंबर की बैठक के बाद जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में डाल सकते हैं डेरा। प्रत्याशियों से मिलने जुलने वालों पर भी पीसीसी की होगी नजर। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह फैसला किया है कि प्रत्याशियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, वो किससे मिल रहे हैं इस बात पर भी निगरानी रखी जाएगी, और पीसीसी पदाधिकारी जो है वो तमाम जिलों में डेरा डालेंगे, और उसके बाद कोई इधर से उधर ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों से मिलने जुलने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। को होता है जिसकी पार्टी डगमगाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये डर उनके लिए अच्छा है। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारी को लेके और अपनी विजय को लेकर बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ है, और 3 दिसंबर को जो मतदान का फैसला आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के हक में ही फैसला आएगा। जब भाजपा जैसी लुटेरी पार्टी हो जो जनतंत्र को खत्म करने पर आमदा हो, उसने बार बार इस चीज को साबित की भी किया हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका के चुनाव, कर्नाटका की सरकार हो, मध्यप्रदेश की सरकार हो, तो ये है कि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से प्रॉपर संवाद कांग्रेस पार्टी पहले भी बनाती रही है, पहले भी रहा है संवाद, आज भी संवाद है। बाकी हाँ, मैं मानता हूँ ऑपरेशन लोटस जिसको भाजपा वाले बड़े ही छाती फुला के कहते हैं, वो इस देश के इतिहास पर काला धब्बा है। और भोपाल से इस समय की एक और बड़ी खबर, भाजपा और कांग्रेस के निशाने पर 15 कलेक्टर और एसपी, चुनाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप दोनों ही पार्टियां लगा रही है इन अधिकारियों पर। चुनाव आयोग से इन अफसरों की शिकायत भी की गई, और अब तक 10 कलेक्टरों और 5 एसपी की शिकायत की जा चुकी है। 6 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ वोटिंग से पहले ही दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई थी। 7 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत वोटिंग के दिन या बाद में की गई। बीजेपी ने ज्यादातर मामलों में अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और धीमे मतदान का आरोप लगाया है।
कांग्रेस भी वोटिंग से पहले कई जिलों के कलेक्टर्स और एसपी पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा चुकी है। नरसिंहपुर, भिंड, रतलाम, छतरपुर कलेक्टर के खिलाफ भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंची और कांग्रेस सागर, सीधी, सतना, दतिया, भिंड, अशोकनगर, पन्ना के कलेक्टर्स की शिकायत लेकर ईसी पहुंची। भिंड और नरसिंहपुर कलेक्टर से दोनों पार्टियां नाराज बताई जा रही है। निवाड़ी, छतरपुर एसपी पर भाजपा ने गलत कार्रवाई का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने मुरैना, दतिया, जबलपुर एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भारत की भावना और भव्यता का प्रतीक, करोड़ों हिंदुओं के साहस, संकल्प, संघर्ष और धैर्य का प्रमाण भगवान श्री राम का मंदिर मध्य प्रदेश की अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ फिनिशिंग का काम बाकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में अयोध्या कहाँ है, तो हम आपको बता दें कि इंदौर की विधानसभा 4 को अयोध्या कहा जाता है। महापौर ने अयोध्या में बनकर तैयार हो रहे भव्य राम दरबार की प्रतिछाया का संकल्प लिया था और हूबहू वैसे ही प्रतिलिपि इंदौर में उनके निर्देश पर बनकर तैयार हुई है। मंदिर का निर्माण 21 टन लोहे के स्क्रैप से किया गया है। मंदिर 21 फीट ऊंचा है और लगभग 27x40 फीट में मंदिर का निर्माण किया गया है। 15 मुस्लिम कलाकारों ने लगभग 3.5 महीने में मंदिर को तैयार किया है। टूटे हुए बिजली के खंभे, टूटे हुए झूले, गाड़ियों के पार्ट्स, नट बोल्ट, चादर, एंगल, पुराने वाहनों के चेसिस सहित छोटे मोटे लोहे के पार्ट्स से खूबसूरत भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश का घमासान कौन जीतेगा बताएंगे एडिटर्स हमारे अगले कार्यक्रम में।